नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल BSA ट्रिकी क्लासेस में। दोस्तों आज के आप लोग के इस क्लास में आज हम आप लोग के लिए मंडी पर्षद भारतीय लोअर PCS के लिए दोस्तों पिछली परीक्षाओं में पूछे गए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोग के साथ डिस्कस करेंगे। तो आज हम दोस्तों सामान्य अध्ययन के 30 क्वेश्चन आप लोग के साथ डिस्कस करने वाले, जो कि आप लोग के इस RRB NTPC एग्जाम के लिए भी हेल्पफुल रहेंगे। ओके, तो आप लोग जो है अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दीजिएगा, 30 में से 30 क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट करके दिखाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की अपनी इस क्लास को, आइए देखते हैं। तो दोस्तों आज का आप लोग का सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा, सुई चुभाने पर निम्नलिखित अंगों में से कौन सा जो है आप लोग का अंग दर्द महसूस नहीं करेगा? त्वचा, मस्तिष्क, हृदय या फिर नेत्र? तो फिलहाल मैं आपको बता दूं, आप लोग का इसका जो राइट आंसर है वो है आप लोग का बी वाला। ठीक है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। मानव शरीर का वह तंत्र जो कि सोचने, समझने या किसी भी चीज़ को याद रखने के लिए तथा विभिन्न अंगों के कार्यों के सामंजस्य एवं संतुलन स्थापित करने का जो कार्य करता है वो आप लोग का तंत्रिका तंत्र यानी कि मस्तिष्क कहलाता है। तंत्रिका तंत्र जो है संवेदी अंगों, तंत्रिकाओं, मस्तिष्क, मेरुरज्जु एवं तंत्रिका कोशिकाओं का बना होता है। तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय का कारण जो कार्य होता है वो आप लोग का मुख्यतः मस्तिष्क और मेरुरज्जु के द्वारा ही किया जाता है, लेकिन यह स्वयं की संवेदना के प्रति उदासीन होता है, अतः सुई चुभाने पर भी इसमें दर्द नहीं होता है। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं सुई चुभाने पर भी जो है किस अंग में आप लोग का दर्द नहीं होगा, दर्द नहीं करेगा, वो आप लोग का है मस्तिष्क। बाकी दोस्तों मस्तिष्क जो है आप लोग का सबके दोस्तों बातें बताता है, जैसे कि कहीं पर भी अगर दर्द हो रहा है, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, तो सारी दोस्तों जो भी क्रियाएं होंगी वो मस्तिष्क में होंगे, लेकिन ये स्वयं के प्रति ये उदासीन होता है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोग के सामने, निम्नलिखित में से किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते हैं? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, गीदड़ यानी कि सियार के खुर नहीं होते, जबकि हिरन, जेबरा, घोड़ा आदि के जो है खुर होते हैं जो उन्हें तेज़ी से भागने में मदद करते हैं। ठीक है, तो आप लोग का राइट आंसर क्या होगा इसका? आप लोग का बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या है? मैंने पहले भी आप लोग के साथ डिस्कस किया था, जो फलों में जो मीठापन होता है ये होता है फ्रक्टोज के कारण। ठीक है, तो फलों से फ्रूट बना, फ्रूट से फ्रक्टोज आप लोग गैस सकते हैं। फ्रक्टोज जो है एक प्रकार की प्राकृतिक चीनी कह सकते हैं आप लोग, ठीक है, नेचुरल शुगर होती है, यही फलों के मीठेपन का विशेष कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ जो है प्राकृतिक बहुलक है? तो मैं आपको बता दूँ इसका राइट आंसर आप लोग का बी वाला, रेशम। तो रेशम जो है वो आप लोग का एक प्राकृतिक बहुलक है, शेष आप लोग के बैकेलाइट, केवलार तथा लैक्सॉन ये आप लोग के कृत्रिम बहुलक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर आप लोग के सामने ये रहा, अब आप लोग को यहाँ पर मुझे ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ आप लोग के हार्मोन दिए गए हैं और दूसरे साइड में जो है आप लोग के कार्य दिए गए हैं। तो हार्मोन में आप लोग के इंसुलिन, मेलाटोनिन, ऑक्सीटॉक्सिन, ठीक है, और गैस्ट्रिन ये आप लोग के दिए गए कार्य है। आप लोग का रक्त शर्करा का नियंत्रण, निद्रा का नियंत्रण, स्तन ग्रंथि से दुग्ध का निस्सरण और रक्तचाप का नियमन ये आप लोग के कार्य हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं इसमें जो सही नहीं दिया गया वो आप लोग का गैस्ट्रिन है। गैस्ट्रिन का दोस्तों ये रक्तचाप का नियमन नहीं करता है, मैं आपको बता दूं। देखिए इसका जो राइट आंसर होना चाहिए था यहाँ पर इसके स्थान पर, तो जो आप लोग का गैस्ट्रिन होता है ये भोजन के जो उपापचय होता है उसका नियमन करता है। ठीक है, भोजन के उपापचय का नियमन करता है। बाकी आप लोग का इंसुलिन जो है रक्त शर्करा का नियंत्रण करता है, मेलाटोनिन जो है निद्रा का नियंत्रण करता है, ठीक है, और ऑक्सीटोसिन है ये आप लोग का स्तन ग्रंथि से दुग्ध का निस्सरण करता है। आइए इसके बाद दोस्तों बात करते हैं आज का 6th क्वेश्चन आप लोग के सामने। दोस्तों क्या आप लोग जानते हैं यूरिया क्या है? तो यूरिया दोस्तों विशेषकर जो आप सभी लोग जानते होंगे ये एक जो है नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है। यूरिया का रासायनिक सूत्र की अगर बात करें, कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है NH का होल ट्वाइज CO, ठीक है, ये होता है यूरिया का रासायनिक सूत्र। कार्बनिक रसायन के क्षेत्र में इसे जो है कार्बामाइड भी कहते हैं। यह एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है। यह रंगहीन, गंधहीन, सफ़ेद, रबेदार, जहरीला ठोस पदार्थ है जो जल में अविलय है। ठीक है, ये जल में जो है अविलय रहता है और यह स्तनपाई और सरीसृप प्राणियों के मूत्र में पाया जाता है। बड़े स्तर पर अगर बात करें तो इसका उत्पादन द्रव अमोनिया तथा द्रव कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिक्रिया से होता है। चलिए फिलहाल दोस्तों बात करते हैं 7th क्वेश्चन ये रहा आप लोग के सामने, देख पा रहे होंगे LPG सिलेंडर के रिसाव से उत्पन्न दुर्गंध निम्नलिखित में से जो है किसकी होती है? क्या आप लोग दोस्तों जानते हैं जो LPG की गैस होती है? देखिए LPG की जो गैस होती है वस्तुतः जो है आप लोग का एक हाइड्रोकार्बन गैसों का मिश्रण होता है, जिसका प्रयोग घरों में खाना पकाने, वाहनों में ईंधन के रूप में
जो प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण था, तथा मीथेन जो है एक प्राकृतिक गैस है। गैस के जो स्रावित होने की सूचना प्रदान करने के लिए इथाइल मरकैप्टन को मिला दिया जाता है, यही गैस में दुर्गंध का कारण। देखिए नॉर्मली जो है आप लोग का जो एलपीजी गैस जो घरों में आप लोग पर्याप्त प्रयोग करते हैं उसमें कोई गैस मतलब कोई इसमें गंध नहीं होती, लेकिन गैस लीक हो रही है उस केस में आप लोग पहचान जाए कि गैस लीक हो रही है, महक आ रही है, तो उसके लिए दोस्तों उसमें जो है ताकि उसका पता चल जाए तो उस दुर्गंध के लिए उसमें मिलाया जाता है इथाइल मरकैप्टन। इसको आप लोग याद रखिए, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर यह रहा आप लोग के सामने, मानव शरीर सेलुलोज के पाचन में असक्षम है। कारण दिया गया, मानव शरीर में स्टार्च अपघटक एंजाइम डाइजेस्टेस विद्यमान रहता है, ठीक है, ये आप लोग के कथन और कारण दे रखे हैं। तो फिलहाल दोस्तों मैं आपको बता, दोनों ही जो है बातें बिल्कुल सही दे रखी, कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन जो है आर वो एक ही सही स्पष्टीकरण नहीं है, तो बी वाला आप लोग का राइट आंसर आएगा। देखिए मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता दूं, देखिए पशुओं के आंत में सामान्यतः कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जो सेलुलोज को तोड़कर पाचन करने में मदद करते हैं, परंतु मनुष्य में ऐसा नहीं होता है। सेलुलोज का उदाहरण जैसे कि कपास में 90% जो है, जबकि स्टार्च को अपघटित करने वाले एंजाइम डाइजेस्टेस मनुष्य में विद्यमान रहता है, ठीक है। ओके इसके बाद दोस्तों बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आप लोग को, तो एक तरफ विटामिन दे रखे हैं और सेकंड साइड में जो आप लोग को उसके वर्क दे रखे हैं, कार्य दे रखे हैं। विटामिन B12 का जो कार्य होता है वो आप लोग का क्या होता है, प्रति अरक्तता कारक। विटामिन सी का कार्य जो होता है प्रतिस्कर्वी कारक। विटामिन डी जो है आप लोग का बांध्य रोधी नहीं होता दोस्तों, ये आप लोग का यहाँ पर होता है प्रति रिकेट्स, ठीक है, इसका जो कारक है वो रिकेट्स होता है, तो यही आप लोग का होना चाहिए क्योंकि यही सुमेलित नहीं है। विटामिन के का होता है आप लोग का प्रतिरक्त स्राविक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10th क्वेश्चन, आयोडीन की कमी से आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों क्या होता है, आयोडीन की कमी से जो है वो आप लोगों का घेंगा रोग होता है। रतौंधी जो है ये विटामिन ए की कमी से होता है, ठीक है, और कर्क रोग जो है कोशिकाओं की अनियंत्रित, अगर हम बात करें कर्क रोग की तो ये कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि या फिर ट्यूमर बनने या फिर तंबाकू इत्यादि के सेवन से होता है, ठीक है। और आप लोगों को बता दिया कि दिया गया अस्थि सुषिरता, तो दोस्तों विटामिन डी और कैल्शियम तथा फास्फोरस की कमी से जो है आप लोग का अस्थि सुषिरता रोग होता है, साथ ही साथ यूरिक एसिड की अधिकता या कमी से होता है। चलिए इसका दोस्तों हमारा आज का 11th क्वेश्चन है आप लोग के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर इमली तथा केले में प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है, एसिटिक एसिड सिट्रिक अम्ल लैक्टिक अम्ल या फिर जो आप लोग का टार्टेरिक अम्ल, इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग को बताना है। तो फिलहाल मैं आपको बता दूं इसका आप लोग का राइट आंसर क्या है, ये होगा आप लोग का डी वाला टार्टेरिक अम्ल, ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पा रहे होंगे। देखिए एसिटिक अम्ल जो होता है वो आप लोग का सिरका में होता है, साइट्रिक अम्ल होता है खट्टे फलों और नींबू में होता है, लैक्टिक अम्ल दूध में होता है, और आप लोग का टार्टेरिक अम्ल या आप लोग का अंगूर इमली तथा केले में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, 12th क्वेश्चन, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करेगा, तो ये आप लोग का राइट आंसर इसका है ए वाला हाइड्रोजन, ठीक है, इसका राइट आंसर आप लोग का क्या है, ये है आप लोग का हाइड्रोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर आप लोग का क्या दिया गया, निम्नलिखित में से किसका जो है मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है, ठीक है, तो ये तो आप लोग जानते ही होंगे, ये आप लोग का फिलहाल चींटी है, देखिए, ठीक है, तो बिल्कुल चींटी जो होती है इसका जो मस्तिष्क होता है उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या, कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है किसके द्वारा, तो ये है आप लोग का डॉपलर प्रभाव द्वारा, क्या होता है ये मैं आपको बता दूँ। देखिए सबसे पहले थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं ताकि बिल्कुल बात क्लियर हो जाए। डॉपलर प्रभाव को ऑस्ट्रिया के भौतिक वेता क्रिश्चियन जॉन डॉपलर ने सन 1842 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। इसके अनुसार श्रोता या फिर स्रोत की गति के कारण किसी तरंग किसी कोई भी वेव होगी तरंग होगी जिसकी आवृत्ति बदली हुई प्रतीत होती है, अर्थात जब तरंग के स्रोत और श्रोता के बीच अपेक्षित गति होती है तो श्रोता को तरंग की आवृत्ति बदली हुई प्रतीत होती है, तो आवृत्ति बदली प्रतीत होने की घटना को ही डॉपलर प्रभाव कहते हैं। इसे जो है इससे कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी की सुस्पष्टता ट्रैक किया जा सकता है इसके थ्रू, तो इसलिए इसका राइट आंसर आप लोग का ए वाला होगा। 15th क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या दिया गया, एक सुरंग में 100 वाट क्षमता वाले 5 बल्ब लगातार 20 घंटे तक जलाए जाते हैं, संपूर्ण जो है विद्युत खर्च कितनी होगी, तो 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं, तो दोस्तों आप लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो क्या लगाएंगे आप लोग, 100 लिखेंगे इंटू 20 घंटे तक जलाए जाते हैं इंटू में 5 और अपॉन दोस्तों क्या आएगा आप लोग का 1000, तो कुल मिलाकर आप लोग सॉल्व करेंगे तो आप लोग का कितना आ जाएगा 10 यूनिट आएगा, तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या है, यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी मिलाकर एक असंतृप्त चीनी के घोल में तैयार किया जाए तो निम्न में से कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलेगी, तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ भौतिक राशि जो है उसका आयतन नहीं बदलेगा, ठीक है,
आयतन उसका वही है, क्योंकि चीनी और जल का विलयन समांग मिश्रण कहलाता है। समांग मिश्रण में द्रव्यमान घनत्व और सांद्रता परिवर्तनीय होती है, लेकिन इसमें आयतन जो है वो आप लोग का स्थिर रहता है। ठीक है, मोबाइल चार्जर होता है दोस्तों क्या, एक इन्वर्टर, एक यूपीएस, एक उच्च स्थायी ट्रांसफार्मर, एक अपचाई ट्रांसफार्मर। तो मोबाइल में तो विशेष तौर पे आप लोग जानते होंगे ये एक अपचाई ट्रांसफार्मर होता है। मोबाइल चार्जर एक अपचाई ट्रांसफार्मर होता है, तभी तो वह घर में प्रयुक्त 220 वोल्ट की धारा को 12 वोल्ट में परिवर्तित करता है, ठीक है, या फिर इससे भी कम में करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 18 में आप लोग को दे रखा है, पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है? तो ये आप लोग का होगा बी वाला, बसा का। ठीक है, तो बसा का पाचन जो है पित्त द्वारा होता है, जो पित्ताशय में बनता है। यदि इसमें कैल्शियम ऑक्सीलेट द्वारा निर्मित पत्थर बनने लगते हैं तो बसा का पाचन नहीं हो पाता, तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 19 देखते हैं, यहाँ पर क्या देखें, निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिक रोग नहीं है? आपको यहाँ पर ये बताना है दोस्तों कौन सा जो है वो आप लोग का अनुवांशिक रोग नहीं है, तो ये आप लोग का है रतौंधी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है, ये आप लोग का है रतौंधी। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है, जबकि रंजकहीनता, हीमोफीलिया, वर्णांधता अनुवांशिक रोग है जो जीन की खराबी से पीढ़ी दर पीढ़ी होता है। आइए इसके बाद देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 20 देख सकते हैं, एक कटा हुआ जो हीरा है ये जगमगाहट के साथ चमकता है, इसका कारण क्या है? तो मैं आपको बताऊँ, इसका जो कारण है ये है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। एक कटा हुआ हीरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जगमगाहट के साथ, ठीक है, चमकता हुआ दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर क्या दिया गया, आप लोग देख पा रहे होंगे एक तरफ लिस्ट दे रखी है, फर्स्ट सेकंड उत्पाद और स्रोत दे रखे हैं, अफीम, हींग, रबर, कुनैन, ये दोस्तों कहाँ से प्राप्त किया जाता है, क्या सोर्स है इसके, आप लोग को बताना, और ये रहे आप लोग के ऑप्शन। देखिए, जो अफीम है वो आप लोग की फल से प्राप्त होती है, ठीक है, अफीम जो है आप लोग की फल से प्राप्त होती है, और बात करें हींग की तो हींग आप लोग की जो है जड़ों से मिलती है, ठीक है, और रबर जो है आप लोग की कहाँ से निकलती है, रबर आप लोग की तने से निकलती है, और कुनैन जो है ये वृक्ष की छाल में, ठीक है, जो वृक्ष होते हैं उनकी छाल में पाया जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी वाला, 3241। आइए इसके बाद देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 22, टेलीविजन दर्शक डिश एंटीना प्रयोग करते हुए बरसात में उपग्रह सिग्नल नहीं प्राप्त कर पाते, क्यों? एंटीना छोटे होते हैं, या वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा को अवशोषित करती हैं, वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा को मूल दिशा को विचलित करती हैं। तो फिलहाल मैं आपको बता दूं, इसका जो आप लोग का राइट आंसर है ये आप लोग का तीनों ही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही पॉइंट बिल्कुल करेक्ट हैं। एक तो एंटीना छोटा होता है, दूसरा कारण ये है कि जो वर्षा की बूंदें होती है ये जो है आप लोग के रेडियो तरंगों की ऊर्जा को अवशोषित भी कर लेती हैं कहीं कहीं पर, और वर्षा की बूंदें जो है रेडियो तरंगों को ऊर्जा की मूल दिशा को भी विचलित कर देती हैं, ठीक है, रिफ्लेक्ट हो जाती हैं जो रेज आ रही होती हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग का आंसर डी वाला हो जाएगा। आइए इसके बाद देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, देखिए क्या दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, आपको यहाँ पर ये बताना है, नत्रजन स्थिरीकरण कारक फसल आप लोग को दिए गए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है, ए बी सी या फिर डी। तो मैं आपको बता दूँ फिलहाल इसका आप लोग का राइट आंसर जो है वो आप लोग का डी वाला है, ठीक है, क्योंकि अजोला जो है वो एक जलीय फर्न है और इसका प्रयोग धान की फसल में जैविक उर्वरक के रूप में किया जाता है, शेष विकल्प बाकी सही दिए गए हैं। ओके, इसके बाद देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, यहाँ पर कथन और आप लोग को कारण जो है बताना है, इसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। तो मैं आपको बता दूँ, देखिए आपका यहाँ पर जो कथन तो गलत है, लेकिन कारण सही कि जो आप लोग का दिया गया है, धन की निकासी का स्वरूप जो है अप्रतिफलित निर्यात था, ठीक है। देखिए मैं आपको बता दूँ, थोड़ा सा 1813 की बात है, 1813 के पश्चात आर्थिक निकास का स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध के समय तक अप्रतिफल निर्यात था। भारत के साथ जो है व्यापार में असंतुलन स्पष्ट गोचर होता है, क्योंकि भारत से निर्यात होने वाले सामानों पर दो प्रकार के कर लगाए जाते थे। दोस्तों, जो भी भारत से हमारा सामान निर्यात होता था उस पर दो टाइप के टैक्स लगते थे, एक तो इंग्लैंड के लिए और दूसरा अन्य देशों के लिए, जिसका फल भारत को नहीं मिलता था, तो आयात की दरें ज़्यादा थीं। अतः ऐसी परिस्थिति में अध्ययन के बाद निष्कर्षता ही कहा जा सकता है कि ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल नहीं था बल्कि प्रतिकूल था, ठीक है। ओके, इसके बाद देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द संदर्भित होता है, ये किसमें होता है आपको बता दें, ये होता है आप लोग का सी वाला, गाय के लिए। जो आप लोग का अघन्य शब्द का अर्थ है जो मारी ना जा सके, अर्थात ऋग्वेद में गाय के लिए अघन्य शब्द का प्रयोग हुआ है जिसका अर्थ है जो मारी ना जा सके।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर दिया गया निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है। तो इसका आप लोग का राइट आंसर मैं आपको बता दूँ, क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर आप लोग का यहाँ पर सी वाला, कन्हेरी। कन्हेरी में 100 से ज़्यादा गुफाएँ मिलती हैं, ठीक है, जो महाराष्ट्र के थाना जिले में स्थित है। यहीं पर अमोघ वर्ष, ठीक है, यहीं पर जो है अमोघ वर्ष प्रथम का एक लेख मिलता है, जिसके अनुसार गुफा संख्या 14 से 11 मुखों वाली बोधिसत्व की प्रतिमा दर्शनीय है, जो कि सातवाहन शासकों के काल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर क्या दिया गया है, आप लोगों को निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पश्चिमी गोदावरी जिले के जो है आप लोग के गुंटीपल्ली के प्रारंभिक यहाँ पर दिए गए विहार चट्टानों को काट कर बनाए गए हैं, पूर्वी दक्षिणों के, इस तरीके से दो पॉइंट दिए गए। अब मुझे आप लोग यहाँ पर ये बताइए कि इन दोनों पॉइंट में से कौन सा पॉइंट आप लोग का करेक्ट है। तो फिलहाल मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आप लोग के दोनों ही पॉइंट बिल्कुल करेक्ट दिए गए हैं, ठीक है। देखिए, कथन एक में जो है वो दिया गया कि तथ्य के पश्चिमी गोदावरी जो जिले के वो आप लोग का गुंटूपल्ली जो है, यानी कि गुंटूपल्ली नाम है इसका, इसमें प्रारंभिक चैत्य एवं बिहार चट्टानों को काट कर बनाए गए। और जो आप लोग का सेकेंड जो आप लोग का दे रखा है कथन, इस बात को सही सिद्ध करता है, क्योंकि जो आप लोग का यहाँ पर जो गुंटूपल्ली है पूर्वी दक्कन, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, इसके अलावा जो है आप लोग का नागार्जुनकोंडा, अमरावती इत्यादि में भी स्थित है। चलिए फिलहाल दोस्तों बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है आप लोग के सामने, राज्यसभा द्वारा संविधान के आर्टिकल 249 के अंतर्गत पारित संकल्प जिसके द्वारा संसद को राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में विधि निर्मित करने का अधिकार दिया गया, दुबई प्रवृत्त रहेगा, किसके अकॉर्डिंग, आपको बता दें ये है आप लोग का एक वर्ष से अधिक नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, क्या अकबर के शासनकाल में दक्कन में निम्नलिखित पद्धतियों में से कौन सा भू राजस्व वसूली के लिए प्रचलित आधार था। तो ये तो आप सभी लोग जानते होंगे, ये आप लोग का था बी वाला, हल्की संख्या। तो अकबर के शासनकाल में दक्कन में हल्की संख्या भू राजस्व वसूली का एक आधार था, जबकि इसी समय उत्तर भारत में जब्ती राजस्व प्रणाली प्रचलन में थी, ठीक है। तो ये आप लोग का हो जाएगा बी वाला, क्लियर हो गया इतनी बात। चलिए इसके बाद दोस्तों बात करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 30, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, और निम्न विदेशी यात्रियों में से किसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। तो आप लोग के सामने यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए, तो फिलहाल ये आप लोग क्या है, फ्रांसिस्को पल्सर्ट, ठीक है। तो फ्रांसिस्को पल्सर्ट जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा, जो कि एक डच व्यापारी था, निकोलो मुनुक्की इटली का यात्री था, जो शाहजहां के समय भारत आया था, और इसका जन्म 14 अप्रैल 1638 ईस्वी को हुआ था, मृत्यु 1717 में हुई थी, ठीक है। चलिए फिलहाल आप लोग इसका आंसर याद रखिएगा, ये आप लोग का फ्रांसिस्को पल्सर्ट। ओके, तो फिलहाल दोस्तों आपको बता दें आज की क्लास में सिर्फ इतने रखते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप सभी को आज के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पसंद आएंगे। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलेगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।